हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये एक न्यूमेरिकल सिस्टम से रिगार्डिंग है कि वो कितने घंटे में टैंक को भरता है और कितने घंटे में खाली करता है। तो चलिए टाइम और वर्क से रिगार्डिंग है, इसको सॉल्व करते हैं। ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स, मतलब एक टंकी है वो क्या होगा किसी टेप द्वारा 8 घंटे में भर जाती है। बट टेक्स टू मोर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक, मतलब क्या है अगर वो उसमें एक लीक है, अगर लीक के होते हुए वो क्या है 2 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब पहले वो 8 घंटे में भर रहा था लेकिन अगर लीक को ऑन कर दिया जाए तो वो क्या है 10 घंटे लेगा। ठीक है, ऑफ ए लीक इट्स द बॉटम इफ दैट सिस्टम इज फुल द टैंक लीक विल इम्पटी इट इज, मतलब कि अगर लीक, अगर टैंक पूरा फुल है तो वो जो लीक है वो केवल लीक उसको कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग कोई भी टाइम और वर्क रिगार्डिंग कोई भी नंबर करो उसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था। पहला ट्रिक क्या है कि आपको क्या निकालना है, टोटल यूनिट निकालना है, टोटल यूनिट जो कि आपको वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क को। तो इसके लिए क्या करते हैं एलसीएम, जो टाइम दिया होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेके हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या होता है, यूनिट पर आवर निकालना होता है आपको। ठीक है, तो दो काम करने हैं आपको। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो सिस्टम ए है, तो ए दिया हुआ है, ए उसको 8 आवर में भर देता है, चूंकि बी लीक है उसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जो लीक दिया उसको बी मान लेते हैं, तो वो क्या है 2 घंटे माने कि एक्स आवर में, माने कि एक्स आवर में उसे खाली कर देता है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉटम इफ द सिस्टम इज फुल, मतलब फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन बॉटम्स द लीक विल एम्प्टी इट इज, मतलब लीक उसको कितने देर में खाली कर देगा। तो हम मान लेते हैं कि जो लीक है तो एक्स घंटे में उस टैंक को फुल्ली खाली कर देगा। तो हमें निकालना है टोटल यूनिट निकालना है, टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट के लिए क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 8, x का। तो ये आ जाएगा आपका 8 × x, ये आपका होगा टोटल यूनिट जो कि हमारे ये निकालना था। तो ये आपका टोटल यूनिट निकल आया। और दूसरा निकालना है यूनिट पर आवर निकालना है आपको। ठीक है, तो दोनों की हम बात करते हैं। यूनिट पर आवर के लिए आपको निकालना पड़ेगा ये क्या होगा टोटल यूनिट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो यूनिट दिया हुआ है, यूनिट तो सेम होगा सबके लिए, तो यहाँ पर 8x हो गया अपॉन टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर 8 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्लस यूज कर लेते हैं क्योंकि ये a टैंक को फुल करने के लिए, भरने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम प्लस यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x यूनिट पर आवर आ गया। ओके, अब इस तरह से हम निकालते हैं b के लिए। तो टोटल यूनिट यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है सेम है 8x अपॉन टाइम कितना लग रहा है इसके लिए x लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या माइनस यूज कर लेते हैं क्योंकि ये टैंक को खाली करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8 यूनिट पर आवर, यहाँ पर आ गया माइनस 8 यूनिट पर आवर आ गया। ठीक है, अगर दोनों एक साथ मतलब ए टैंक को भर भी रहा है और नीचे से जो बी लीक है वो टैंक को खाली भी कर रहा है, तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए प्लस बी, तो किस तरह से एक्स, मतलब ए है जो एक्स यूनिट भर देगा एक घंटे में, लेकिन जो बी है वो माइनस 8 मतलब 8 यूनिट को वो खाली कर देगा एक घंटे में। तो यहाँ पर इतना आ गया यूनिट पर आवर आ गया। ओके, अब आपको निकालना है टाइम, यहाँ से निकालना है आपको टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यूनिट, आपका टोटल यूनिट कितना है 8x दिया हुआ है अपॉन यूनिट पर आवर। तो इतना 8x यूनिट हो गया अपॉन x माइनस 8, ये आपका आ गया यूनिट पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, आवर आपका ऊपर चला गया, तो हो गया 8x अपॉन एक्स माइनस 8, ये आपका आ गया इतने आवर। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सिस्टम नॉर्मली फील्ड इन 8 आवर, मतलब ए उसको 8 घंटे में भर देता है, बट टेक्स 2 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक। अगर लीक भी है, मतलब ए भर भी रहा है और लीक भी हो रहा है, तो वो क्या 2 घंटे ज़्यादा लेता है। मतलब अब जो टैंक भरेगा वो 10 घंटे में भरेगा, तो हम यहाँ पर 10 घंटे कर देते हैं 10 आवर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x इक्वल टू 10x माइनस 80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू, ये आ जाएगा 40 आवर, तो मतलब 40 घंटे में इस टैंक को फुल कर देगा। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।